ब्रेक डांस में अच्छा लगता है, आपके फेवरेट वीडियो में नहीं। देख बिना ब्रेक, डाउनलोड टक ऐप। कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के तेवर को देख यही लग रहा है कि मध्य प्रदेश में शायद सरकार को विपक्ष की जरूरत ही नहीं है। सिंधिया लगातार अपनी ही सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं। सिंधिया कई बार कमलनाथ सरकार से नाराजगी जताते हुए पत्र लिख चुके हैं। इस बार भी उन्होंने सूबे के सीएम कमलनाथ को पत्र लिखा है। इस पत्र में सिंधिया ने चंबल एक्सप्रेसवे के प्लान में भिंड जिले को भी शामिल करने की मांग की है। सिंधिया ने सीएम कमलनाथ से इस विषय पर गंभीरता से विचार करने का आग्रह भी किया है। इससे पहले भी कई बार सिंधिया पत्र लिखकर सरकार के रवैये पर नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। आपको बता दें कि बीते कुछ महीनों में सिंधिया ने मुख्यमंत्री कमलनाथ को 4 पत्र लिखे थे, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री से बाढ़ प्रभावित किसानों की मदद और प्रदेश की सड़कों की खस्ता हालत पर काम करने की बात कही थी। इतना ही नहीं, कर्ज माफी के मुद्दे पर भी वो अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े कर चुके हैं। वहीं नवंबर महीने में भी सिंधिया ने सीएम कमलनाथ को पत्र लिखते हुए दतिया के लोगों की समस्याएं साझा की थी। अभी कुछ दिन पहले ही सिंधिया ने अपने ट्विटर अकाउंट से पार्टी का नाम हटाते हुए खुद को समाज सेवक और क्रिकेट प्रेमी बताया था। सिंधिया का ऐसा करना राजनीतिक गलियारों में सुगबुगाहट शुरू हो गई कि क्या सिंधिया बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अब सिंधिया के समर्थक विधायक सुरेश राठखेड़ा ने कहा कि सिंधिया अपनी नई पार्टी बना सकते हैं। हालांकि कई मौकों पर सिंधिया ने साफ साफ कहा है कि वो कांग्रेस नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से वो अपनी सरकार को घेर रहे हैं उससे तो यही लगता है कि उनकी कांग्रेस से नाराजगी अभी बरकरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP तक।